दोस्तों, जैसा कि हमारा सी डी एस 2024 का एग्जामिनेशन हो चुका है, तो फटाफट इस वीडियो के अंदर हम जीएस की जो है हमारी आंसर की उसे देख लेते हैं। ठीक है, जीएस की आंसर की देख लेते हैं ताकि आप जो अपने जो आंसर्स जो भी आपने मार्क किए हैं उसे आप एक बार मैच कर लो। ठीक है, तो फटाफट देखेंगे इसमें जो हमारा डिटेल्ड वीडियो होगी वो हम सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से पूछा गया, बट फिलहाल हम आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि इंडियाज वुमेन्स बैडमिंटन टीम रिसेंटली वॉन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम। तो इसने पूछा है, बेसिकली हमारा करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन था, इसका जो करंट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। साइना नेहवाल जो थे ये इस चीज़ के पार्ट नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेकंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिन सिस्टम इज नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये हमारी सही नहीं है। इसने बोला कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ बीन डिसएसोसिएटेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हमारी इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ही आती है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन करंट अफेयर से है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निष्ठा अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। तो निष्ठा भी दोस्तों जो ये था ये मैगजीन्स के अंदर आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर के अंदर था। ये हमारा एक टीचिंग प्रोग्राम था। ठीक है, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये, जो कि टीचर्स के लिए था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, ये अगेन हमारा ब्रिक्स से था, जिसे हम कह सकते हैं ब्रिक्स से बेसिकली था ये। ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में तो पूछ ही रखा है, दूसरे बात ये कर रखा है कि इसने ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि भैया इसने अरेंज करके दिखा दो असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक था और इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले हमारा टू है, यानी कि इंडिया आगे रहेगा, उसके बाद फिर हमारा साउथ अफ्रीका है सेकंड नंबर पे, फिर हमारा फोर्थ नंबर पे ब्राज़ील है, और फिर हमारा चाइना है, और फिर लास्ट में हमारा रशिया है। ठीक है, तो 2, 5, 4, 1, 3 ये जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में, क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा विद EFTA विच इज़ अ रीजनल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ फोर कंट्रीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो इसमें बताना है वो कौन सा जो कंट्री है इसमें से मेंबर नहीं है ग्रुप का। तो दोस्तों इंग्लैंड जो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इंग्लैंड इस चीज़ का मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द टेरिटोरियल बाउंड्री विद बोथ रशिया एंड यूक्रेन। तो ये रशिया और यूक्रेन से बारे में जो मैपिंग है हमेशा पूछ रहा है यूपीएससी, CAPF के एग्जामिनेशन में पूछा था और CDS के एग्जामिनेशन के अंदर ही पूछा था। तो इसमें दोस्तों ये पूछ लिया इसने कि रशिया और यूक्रेन के साथ कौन सी बाउंड्री करती है इसमें कंट्री। तो बेलारूस जो है दोस्तों ये बेलारूस रशिया के साथ भी बाउंड्री करती है और यूक्रेन के साथ भी बाउंड्री करती है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे यूक्रेन है और यहाँ पे रशिया है तो यहाँ पे कहीं बेलारूस है। ठीक है, तो ये जो बेलारूस है कंट्री है इसका रशिया के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डेज भी है, तो इस वजह से ये रशिया की प्रो रशिया कंट्री है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन का कह रहा है कि भैया ऑन June 2024 इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद USA फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर। तो इसमें 2030 जो है दोस्तों दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये 2030 ये हमारा इजी क्वेश्चन था, मैगजीन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी हमारे आंसर केस प्रोवाइड हो रहे हैं यूट्यूब पे या फिर हर जगह, तो इसमें देखो 100% एक्यूरेसी कोई भी नहीं दे सकता, ये बात आप भी मानोगे। और जैसे पेपर अभी आ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस हमारे डिफिकल्ट हैं, और करंट अफेयर भी हमारे थोड़े बहुत डीप में है, तो इसमें आप मान के चलो कि 90% कोई आपको एक्यूरेसी वाला दे दे तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 100% एक्यूरेसी मिलेगी, 10 से 12 क्वेश्चन आप हमेशा ऊपर नीचे लेके चलना कि मेरे सही गलत हो सकते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट PM जनमन स्कीम। PM जनमन स्कीम के बारे में पूछ लिया इसने, तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कि इट इज़ अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं उनके लिए स्कीम है PM जनमन स्कीम, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछ लिया कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है, किसने बोला है कि भैया सागर सेतु इज अ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप नहीं है दोस्तों, इट सागर सेतु इज रिलेटेड टू सम मैरीटाइम थिंग। ठीक है, जो सी है उसके ऊपर कुछ ये थी चीज़ थी, मेरे पे अभी क्लिक नहीं हो रही, तो मोबाइल ऐप तो बिल्कुल ही नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे इसरो से रिलेटेड पूछ लिया इसने क्वेश्चन कि इसरो इन इट स्टडीज हैज रिवील्ड दैट देयर इज 178% इंक्रीज इन द साइज ऑफ गेपैंग घाट ग्लेशियर लेक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज दिस लेक इज लोकेटेड। ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे ये लेक जो है लोकेटेड है। ये वाला क्वेश्चन मैगजीन के अंदर तो मेरे को नहीं मिला था। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ये आर कॉमन टू ब्रू रेंग एग्रीमेंट NLFTSD एग्रीमेंट एंड ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट विद टिपरा।
तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। अगेन जो है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। खैर आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज़ वन 96th एकेडमी अवार्ड 2024। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा चर्चित फिल्म ओपेनहाइमर जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमारे मैगजीन्स के अंदर ये अवेलेबल था, इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, हमारा ये भी क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से यूपीएससी ने पूछ दिया, अनप्रेडिक्टेबल और मतलब बिना सर पैर वाला। इसने बोला कि भैया इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर वॉज ओपन एट विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल। तो इसमें हॉस्पिटल का नाम पूछ लेते हैं ज़्यादा डिटेल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा RML हॉस्पिटल है, किसी भी करंट अफेयर के मैगजीन में भी नहीं था, तो ये क्वेश्चन वाकई में डिफिकल्ट था, छोड़ने लायक था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट INS तारमुगली, तारमुगली के बारे में बता दो, INS तारमुगली के बारे में कौन सी सही स्टेटमेंट नहीं है। तो नॉट करेक्ट इस बार बहुत ज़्यादा पूछा है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसने बोला कि भैया इट वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका नेवी फोर्स इन 2006 एंड रिटर्न टू द इंडियन नेवी इन 2023, जो कि बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, और इसने फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस इन द फाइनल एग्रीमेंट रीच्ड एट COP28 इन एसोसिएटेड विद द टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2050। अब देखो कोप से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, CAPF के अंदर भी हमने देखा था COP26 COP25 को मैच द फॉलोइंग के अंदर उन्होंने पूछ लिया था, है ना। अब यहाँ पे भी COP28 से पूछ लिया, तो ये जो क्लाइमेट वाले हैं इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, फॉसिल फ्यूल फेस आउट जो है ये हमारा लक्ष्य था। आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भैया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि भैया रुपी वस्त्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट एन इंडियन बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक करेंसी रुपी टू एनेबल डोमेस्टिक बैंक्स टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि इंश्योरेंस डेंसिटी दैट इज एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटल डज नॉट फुली कैप्चर द फाइनेंशियल गैपिंग इन द इवेंट ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सोल्ड इन द इंडिया इन इंडिया आर सेविंग लिंक्ड विद स्मॉल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। भैया ये वाला क्वेश्चन वाकई में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, मतलब मेरे को तो पल्ले पल्ले नहीं था, बट जो सर्कुलेट हो रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है कि भैया इकोनॉमिक्स से था ये वाला क्वेश्चन भी। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि भैया एन अकाउंटिंग एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ रुपीज एक्स इज लाइकली टू हैव लेस इंपैक्ट ऑन इनकम दैन एन एडिशनल ट्रांसफर ऑफ रुपीज एक्स टू हाउस होल्ड। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि an additional spending by the government of rupees x is likely to have less impact on income if it is not accompanied by expansion of money in supply। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड स्टेटमेंट जो है दोस्तों केवल यही सही है, क्योंकि यहाँ पे लेस की जगह यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा मोर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एनविजन्स, ये इसने पूछा है लॉन्ग टर्म लो एमिशंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एनविजन्स व्हाट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन जस्ट स्मूथ एंड सस्टेनेबल मैनर। बी कह रहा है कि इंक्रीज यूज ऑफ बायोफ्यूल्स। सी कह रहा है क्लाइमेट रेजिस्टेंस अर्बन डेवलपमेंट। और डी कह रहा है हमारा फाइनेंसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स। अब दोस्तों ये ग्रीन बॉन्ड्स एक अपने आप में अलग चीज़ है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये स्टेटमेंट नंबर 4 ही हमें एलिमिनेट हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फोकस ऑफ 12th फाइव ईयर प्लान। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ड्यूअल था, क्योंकि जो फाइव ईयर प्लान्स होते हैं हमारे, अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो फाइव ईयर प्लान जरूर पढ़ता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ का कंट्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इनविजिबल्स जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय गवर्नमेंट हेल्प्स इन वॉट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड एक्सपोर्टिंग अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। सी इज सेइंग इंसेंटिवाइजिंग फॉरन इन्वेस्टमेंट्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है, दोनों ही हमारी एक जनरल स्टेटमेंट है, जो कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। आगे बात कर लेते हैं, हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट करेक्ट। अगेन परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, ये जो है इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म है जो कि आदमी पढ़ता ही है, हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है, द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पूल टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द इंडिया। तो इसमें एक्साइज ड्यूटी जो है दोस्तों ये हमारा शेयर नहीं होता है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो है ये स्टेट्स का शेयर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछ लिया इसने क्वेश्चन कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। और ये कौन से सब्जेक्ट से आया, ये हमारा इकोनॉमिक्स से है दोस्तों,
जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज हैं लो स्टैंडर्ड की, शायद वहाँ से है ये क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को जो आप एनालिसिस करेंगे उसके अंदर हम स्क्रीनशॉट इसमें डाल के दिखाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि भैया सपोज देर आर ओनली टू नॉर्मल गुड्स इन द इकोनॉमी एक्स एंड वाई एंड इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेज व्हाट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि डिमांड फॉर गुड ए विल डिक्रीज एंड डिमांड फॉर वाई इज इनडिटर्मिनेबल, यानी कि हम पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं इफ प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 100 इन 2021 टू 110 इन 2022 टू 132 इन 2023 देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज व्हाट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये हमारा अगेन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 27 कह रहा है कि भैया रंगाराजन कमेटी से पूछता है, इसने पॉलिटी का क्वेश्चन है, नहीं पॉलिटी का नहीं है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ही है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि द रंगाराजन कमेटी मेथडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन इज सेइंग अ फूड कंपोनेंट, बी सेइंग नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स एंड थ्री सेइंग अ बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर फॉर ऑल अदर नॉन फूड आइटम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2 और 3। इसका देखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के अंदर ये है कि नहीं है। ठीक है, जब एनालिसिस करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड मैनेज बाय NIIFL दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। तो इसमें से बता दो आपका कौन सा नहीं है इसमें जो जिसका फंड मैनेज नहीं होता। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड वॉज एस्टेब्लिश विद द व्यू टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो इसमें कौन से ग्रुप को हेल्प करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड बनाया गया था। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो थे दोस्तों उनको हेल्प करने के लिए जो ग्रुप है ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमारा एक तरह से इकोनॉमिक्स सही क्वेश्चन है, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मिल जाएगा ये। आगे बात करते हैं दोस्तों, वन अमंग द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से बता दो भैया मेजर एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर मेजर एक्सपेंडिचर हमारा जाता है, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, जब एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिमालयन ग्लेशियर एंड देयर लोकेशन इज ये आर करेक्टली मैच। ये अगेन हमारा कहाँ से है, ये हमारा अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वन ओनली जो है केवल हमारी करेक्टली मैच है, बाकी सारी हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में इसने पूछ लिया। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि भैया द बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना राइजेज एट इन द हिल्स ऑफ मेघालय। तो इसमें मेघालय ना होगा दोस्तों, यहाँ पे मणिपुर होगा। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे जो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि द घाघर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन राजस्थान डेजर्ट। और अगर थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि भैया पुथीमरी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 और 3 जो है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। आगे बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बट ये क्लास 12th की जो हमारी एनसीईआरटी है दो, उन दो एनसीईआरटी में से ही ये क्वेश्चन है। ये जो पोर्ट वाले जो मेजर पोर्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर है, जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी सही है, ये थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, एनसीईआरटी के अंदर ये आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से पूछ लिया इसने क्वेश्चन कि भैया क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स। तो भैया कौन से क्लाउड को मिलकर बनाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं हमारे, जो कि रूई की तरह होते हैं ऐसे ऐसे, और जो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, जिसमें बेसिकली निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड वो होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं बेसिकली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है और जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपको हमारे एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये वाला अगेन थोड़ा हमारा वो क्या बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉइंट कैलीमायर वेलफेयर एंड बर्ड सेंचुरी जो है ये हमारा यूटी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है कि भैया एराटोस्थनीस जो है अ ग्रीक फिलोसोफर मेजर्ड द अर्थ सर्कमफेरेंस बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ सन्स रेज एट टू डिफरेंट पॉइंट्स विच सिटीज वर दे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, और क्या ये ड्यूएबल क्वेश्चन था, तो बिल्कुल नहीं था। क्या इसका सोर्स एनसीईआरटी में है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बाकी वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन हमारा 37 का कह रहा है कि विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रीप।
तो मास वेस्टिंग प्रोसेस जो होता है, ये इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है क्रीप के साथ एसोसिएटेड है, ये वाला एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों मेरे को तो मिला नहीं है, बाकी अभी जो डिटेल एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कि स्लो स्पीड विथ सॉइल जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बाकी इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये वाला दोस्तों हमारा सारे डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर से आपको मिल जाएगा, हेडली सेल फेरल सेल जो होते हैं हमारे ये। तो स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है कि हेडली सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग दी विंड पैटर्न ऑफ अर्थ, जो कि बिल्कुल सही बात है, हमारा जो इस टाइप का जो ट्रॉपिकल रीजन होता है यहाँ पे हमारा हेडली होता है उसके ऊपर फेडरल होता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि भैया हेडली सेल आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रॉन्गली बाय द सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है दोस्तों, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर वन, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन हमारा ओशन करंट से आ गया है, जो कि हमने अपने एक लेक्चर लिया था प्रॉपर ओशन करंट पे, जिसमें हमने पहले कॉन्सेप्ट समझे थे उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे ओशन करंट पे, जितने भी अभी यूपीएससी सीडीएस सीएपी ऑफ एनडीए के अंदर पूछे गए थे, ठीक है, तो जिन बच्चों ने किया होगा उन्हें पता होगा। तो उसमें क्या बोलते भैया इसने कि ओशन करंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गायर दैट आर ड्रिवन बाय ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न, बिल्कुल सही बात है, जो हमारा ये सर्कल बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, गायर बोलते हैं, और जो बीच में हमारा एक सी होता है जिसका वाटर स्टिल रहता है उसे क्या बोलते हैं, सार्गोसा सी बोलते हैं, तो गायर बनता है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट नंबर वन तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भैया इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये हॉट वाटर होता है, इक्वेटोरियल करंट जैसे हमने अगर आपने वीडियो देखी हो तो पता होगा यहाँ पे जो इक्वेटर होता है तो इक्वेटर के पास जो पानी होगा वो तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, हॉट होगा ना कि कोल्ड होगा, ठीक है, तो ये तो हॉट वाटर होगा, तो हॉट वाटर जब क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, तो ये हॉट वाटर हमारा वेस्टवर्ड घूमेगा ना कि कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड घूमेगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, इसलिए जो हमारे ऑप्शन नंबर सी है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू इज फॉल्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि भैया एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अमंग द टॉप थ्री ऑफ द रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर डी जो है महाराष्ट्र इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भैया हाउ इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन अ वेदर मैप, तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोजली स्पेस आइसोबार्स जो होते हैं दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइसोबार्स के बारे में हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है बट ये बिल्कुल ही ये वाली चीज़ हमें नहीं दे रखी, तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो शायद हमें मिल जाए, खैर ज्योग्राफी एनालिसिस के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, खैर अभी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग, इनमें से बता दो भैया कौन से केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल नहीं है, एसिड रिएक्शन बिल्कुल है, हाइड्रोलिसिस बिल्कुल है, ऑक्सीडेशन भी बिल्कुल हमारा केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है, बट सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वोल्केनोज आर करेक्ट, अब यहाँ पे आर्क वोल्केनो को देख के बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे, तो आर्क वोल्केनो बेसिकली हमारे वो वोल्केनो होते हैं दोस्तों जो हमारे रिंग ऑफ फायर होता है ना, जो पैसिफिक ओशन के पास रिंग ऑफ फायर है, उन वोल्केनोज को ही हम आर्क वोल्केनो कह देते हैं, ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है कि आर्क वोल्केनोज आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर हमारा बेसिकली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बना होगी, कन्वर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर वन तो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ कोन शेप्ड स्ट्रेटो वोल्केनोज सच एज माउंट फूजी इन जापान, मायोन इन फिलीपींस आर आर्क वोल्केनोज, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनोज ऑन अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप, नोटेबली नेवाडो ओजोस डेल सेलाडो इन चाइलिन एंडिस, ये वाला स्टेटमेंट भी दोस्तों सही है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको कन्फ्यूज कर सकता था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन टू एंड थ्री ओनली। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट, एस वेव हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर पूछा है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये एलिमिनेशन से आप कर सकते थे दोस्तों, एलिमिनेशन से आप कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड, ये वाला जो है दोस्तों हमारा दैट इज नॉट द करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स वाई इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज या फिर आर पार्ट ऑफ गंगा बेसिन, इन्होंने से बता दो भैया कौन से स्टेट्स जो है हमारी गंगा बेसिन का पार्ट है, ठीक है, तो राजस्थान का तो कोई लेना देना नहीं है गंगा बेसिन से, बाकी छत्तीसगढ़ जो हिमाचल प्रदेश है दोनों हमारी गंगा बेसिन के पार्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं विच पेनिनसुलर रिवर हैज़ अ ट्रिब्यूटरी नेम काबिनी, काबिनी किस पेनिनसुलर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये हमारा कावेरी की जो है ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी हमारा शायद आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्रॉप से आता है ज्योग्राफी के पोर्शन से, स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है कि भैया बाजरा इज प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन स्टेट लाइक राजस्थान उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, बिल्कुल सही बात है, वाइल रागी इज मेनली कल्टीवेटेड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, बिल्कुल सही बात है।
स्टेटमेंट नंबर टू क्या कह रहा है कि बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी शैलो ब्लैक सॉइल वेरेस्ट रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल आर सूटेड फॉर रागी। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर वन। अब देखो इसमें ए और बी में मेरे को तो कन्फ्यूजन है कि बी भी हो सकती है। अब मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है कि ये स्टेटमेंट नंबर टू जो है ये दैट इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट नंबर वन और नॉट। तो इसमें आप बताओ कि आपको क्या लगता है, बाकी इन दोनों में से ही कोई करेक्ट स्टेटमेंट होगी। बाकी पल्ला भारा जो है जिसका पल्ला भारी लग रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सी पीक जो है भारत के अंदर सिचुएटेड है। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें मैप दे रखा है। ठीक है, मैप दे रखा है तो वहाँ पे ये पीक्स जो है वहाँ पे बता रखी है, तो वो अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 2 और 3 ओनली। जो नामचा बरवा है बिल्कुल हमारी नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल एंड पे है, जहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है वहाँ पे बिल्कुल यू टर्न लेती है, यू टर्न लेके इंडिया में घुसती है नामचा बरवा से टकरा के। ठीक है, तो वहाँ से है नामचा बरवा हमारे इंडिया के अंदर है और जो कामेत है वो भी हमारा इंडिया के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर राइन इज करेक्ट। सो राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द राइन रिवर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। इसका शायद जो दोस्तों हमारा थोड़ा बहुत रेफरेंस है हमारी क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी उसके अंदर मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि राइन रिवर के बारे में वहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे हम डेफिनेटली इसे देखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विच ऑफ द विद रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि इट इज़ लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया। बिल्कुल सही बात है, अंटार्कटिका ऑल टुगेदर एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो ये स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट हैज़ हाईएस्ट एलिवेशन एज कम्पेयर टू अदर कॉन्टिनेंट। अब दोस्तों CAPF या फिर CDS का जो क्वेश्चन था, अभी शायद CAPF था, उसके अंदर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट डिटो दे रखी थी कि भैया जो अंटार्कटिका है अंटार्कटिका का जो एलिवेशन है कॉन्टिनेंट का वो हायर है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फैक्चुअल इसने पूछ ली थी, माउंट रॉस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे जैसे फैक्चुअल स्टेटमेंट जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूपीएससी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक खेल दे, तो यहाँ पे इसने खेल दिया माउंट रॉस जो है ये हमारा हाईएस्ट पीक नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए जो है 3-3 जो है सारे इनकरेक्ट कर दें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 और 2 ओनली एलिमिनेशन से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हमारा दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि भैया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेदांत फिलोसफी। अब यहाँ से हमारे हिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भैया, हिस्ट्री जो है दैट इज स्टार्टेड। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग शंकरा वाज फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता, जो कि बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द फिलोसफी ऑफ अद्वैता वाज एलेबोरेटेड बाय माधवा। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 और 2। तो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के अंदर या फिर 2 के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसका जवाब है नहीं। ठीक है, शायद ये हो सकता है हमारा उपेंद्र सिंह जो है, उपेंद्र सिंह के अंदर ये हो सकता है देखने को मिले, जब एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा ऑन वाइड स्केल अमंग द पीपल वाज डिसाइडेड बाय होम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग कांग्रेस वर्किंग कमिश्नरी, बी सेइंग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, सी सेइंग महात्मा गांधी एट द स्टार्ट ऑफ दांडी मार्च, एंड डी सेइंग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1921 जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है, जो कि अच्छी बात है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे वरना। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि भैया द टर्म्स यूज फॉर सीरियल इन ऋग्वेद आर व्हाट। सो ऑप्शन नंबर ए गौडहुमा एंड वृति, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन हमारी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्लास 12th की जो है उसके अंदर ये सोर्स नहीं मिला है, शायद हमारी उपेंद्र सिंह जो है उसके अंदर मिले। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ विडोज इन द 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया। इसका दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर है ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट है ए और डी के अंदर। ठीक है, तो इसका जो डी है, बहुत सारे लोग बताने कि डी है, तो हो सकता है डी हो, बट ये इसका मैं श्योर नहीं हूँ। तो आपको अगर पता हो 54th क्वेश्चन तो ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ शिवाजी। अब शिवाजी महाराज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि भैया द स्कीम ऑफ अष्ट प्रधान 8 मिनिस्टर वॉज कंप्लीटेड एंड अनाउंस एट द टाइम ऑफ शिवाजी कोरोनेशन विद रेगुलेशंस एंड ड्यूटीज प्रॉपरली डिफाइंड, जो कि बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि शिवाजी इंट्रोड्यूस मराठी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एंड कॉइन संस्कृत टेक्निकल टर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। छत्रपति शिवाजी से अभी CAPF के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके अंदर भी पूछे गए, तो ये भी हमें शायद पढ़ना पड़ेगा। अभी दिक्कत यह है कि एनसीईआरटी के अंदर तो हमारा दिया नहीं है, जो हमारी लूसेंट है लूसेंट के अंदर थोड़े बहुत इसके बारे में दे रखा है, तो शायद वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हो, तो उसके अंदर हम एनालिसिस के अंदर लूसेंट को भी जरूर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भैया विद रेफरेंस टू मेसोलिथिक आर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 ओनली। जो सेकंड स्टेटमेंट है
केवल यही हमारी सही है। अब इसका जो सोर्स है ये मेरे को नहीं पता कहाँ से पूछा है, हो सकता है कि उपेंद्र सिंह से हो, बट बहुत ज़्यादा डाउट है कि यहाँ वहाँ से भी हो या ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57th, कि इन द डेकोरेशन ऑफ स्तूपास व्हाट डज द टर्म किंजल किनी रेफर्स टू। भैया किंजल किनी क्या किसे कहते हैं, ये भी अगेन हमारा एनसीईआरटी से नहीं था, मतलब एनसीईआरटी बिल्कुल छोड़ ही दिया यूपीसी ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, गार्लैंड ऑफ थाउजेंड लोटस स्पाउट जो है, फ्लावर्स जो है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, किंजल किनी हम इसे कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट कंपोनेंट ऑफ लैंड कैपिटल एट सारनाथ। करेक्ट कंपोनेंट ऑफ लैंड कैपिटल सारनाथ इसमें बताना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट और जो थर्ड है यही हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी जो ये है हमारी इनकरेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, कह रहा है कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट लीडिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे लखनऊ पैट है, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया है, क्रिप्स मिशन है, नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे है। तो इसने बोला कि भैया सिलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट बताना है आपको फ्रॉम द गिवन कोड बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिख रखा है, लखनऊ पैट हमारा क्या था, 1916 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारत के अंदर कब आए थे, 1921 में आए थे। क्रिप्स मिशन कब था हमारा, 1942 में था, 1942। और नेवल म्यूटिनी बॉम्बे के अंदर कब हुई थी, 1946 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 2, 3, 4 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, अगेन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस फॉर देयर मेटल कास्टिंग स्किल। अगेन ये भी हमारा सीएपीएफ के अंदर पूछा गया था ये मेटल कास्टिंग स्किल का, कि कौन से जो रूलर्स थे वो मेटल कास्टिंग में और वेपनरी में बहुत ज़्यादा मास्टर थे बनाने में। तो अहोम्स जो थे दोस्तों उस टाइम, वो भी करेक्ट ऑप्शन था, और यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन अहोम्स ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशियंट हिंदू मेटल इमेजेस इन इंडिया। तो इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि अचोला पीरियड इज वेल नोन फॉर इट्स एस्थेटिक एंड टेक्निकल फाइननेस ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर्स। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट आइकोनोग्राफी एंड स्टाइल ऑफ चोला मेटल इमेजेस वर सिमिलर टू दैट दोज ऑफ द स्टोन काउंटर पार्ट्स। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। सर ये वाला जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से पूछा या फिर जो तमिलनाडु के एनसीईआरटी वहाँ से पूछा है, तो जब एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली हम देखेंगे कहाँ से पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज यूज फॉर द स्टेटमेंट और इन द ड्राफ्ट कमीशन प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन 4th November 1948। तो इंडिया के बारे में कौन सी टर्म यूज़ करी गई थी, फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑटोनॉमस स्टेट, सब्सिडियरी स्टेट या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये यूज़ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। आगे बात करते हैं, अंतारिया वॉज अ गवर्नमेंट अ गारमेंट वन बाय पीपल ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो इट वॉज वॉट, एन अनस्टिच लेंथ ऑफ क्लॉथ ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्पला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग अवंतीवरम द फाउंडर डिवोटेड हिज एनर्जी टू द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 इज देयर that Antivaram's period in Kashmir is known for the engineering operation under his ministry Suvya resulting in the enormous increase of grains and falls in prices. So इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सोर्स जो है हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, अगेन हो सकता है उपेंद्र सिंह के अंदर हो, तो वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि भैया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाई ऑफिस एंड कंसर्न डिपार्टमेंट इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि भैया समाहर्थी ये क्या होता है, दौरकिया क्या होता है, अक्षपटला क्या होता है, और सम निधात्री ये क्या होता है। अब ये जो जितने भी हमारे डिफिकल्ट टर्म है ये हमारे उपेंद्र सिंह के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 1, 3 और 4 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, जो हमारा सेकंड वाला ही हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच किंगडम वॉज डिस्क्राइब बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आर माउथ वन डे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवध, अवध जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा शायद हो सकता है दोस्तों स्पेक्ट्रम के अंदर हो, ये हो सकता है स्पेक्ट्रम के अंदर हो, तो ये देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंसस इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा कहाँ से है, ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर से है दोस्तों, एनसीईआरटी के अंदर से, क्लास 12 की जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 जो है एनसीईआरटी, वहाँ से है कि फर्स्ट सेंसस हमारा कब हुआ था, 1872 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और फ्रॉम 1881 जो डेसिनियल सेंसस होता है हर 10 साल पे, वो हमारा होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 के एनसीईआरटी से पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से बता दो कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग दैट ड्यूरिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन इन 1931 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बेसिक नेशनलिस्टिक डिमांड फॉर द फ्रीडम, विच इज करेक्ट।
सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन 1932 विच इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विद कांग्रेस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा स्पेक्ट्रम के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्पेक्ट्रम के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे उसके अंदर हम सोर्स ये डालेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 69 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैबिनेट मिशन इज करेक्ट। ये भी अगेन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। इसका दूसरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। जो चारों स्टेटमेंट है ये हमारी सही होंगी, ठीक है, चारों स्टेटमेंट हमारी सही होंगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि गजापति, अगेन गजापति हमारा एक मतलब नोन फैक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चंस के अंदर पूछ रखा है। तो गजपति हमारे कौन होते हैं, जो भैया पावरफुल डायनेस्टी जो होती हैं उनके नाम होते हैं ओडिशा के अंदर, जो बिल्कुल सही बात है। ये हमारा शायद एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है आई गेस, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर वन जो है ये हमारी बिल्कुल सही है, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए जो है वन ओनली दैट इज़ ओनली द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ये दोनों हैं ये हमारे इनकरेक्ट हैं। आगे बात करते हैं हमारा 71 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लोकेशन है, इसे मैच द फॉलोइंग करना था। और यहाँ पे एक ऑप्शन तो सबको पता होगा कि लबासना कहाँ पे है, तो बी का वन तो सबने मार्क कर दिया होगा। उसके आगे फिर हमारा सी का, बी का वन अगर मार्क कर दिया आपने तो सी का टू है, यहाँ से आपको पता ही चल जाएगा। तो यानी कि सी का हमारा टू होगा, नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स हमारा शिमला के अंदर होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो ए होगा यानी कि ए, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा ये पलासामुद्रम यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग करनी थी, स्टैटिक पोर्शन आप कह सकते हो वहाँ से था, ये अगेन अनकन्वेंशनल पोर्शन था। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया। स्टेटमेंट नंबर सेकंड कह रहा है कि द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन अडॉप्टेशन ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ वन एंड टू। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थेमेटिक एरियाज ऑफ नेशनल मिशन एट सस्टेनेबल हैबिटेट। स्टेटमेंट नंबर वन कह रहा है कि एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, बी कह रहा है कि मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, सी कह रहा है वेस्ट मैनेजमेंट, डी कह रहा है रूरल प्लानिंग ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। रूरल प्लानिंग ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 72 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। इंडियन लीगल सिस्टम के कौन से कंपोनेंट है इसमें, तो इसने यहाँ पर बोल दिया है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगेन ये मेरे को तो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा पॉलिटी का, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर पता नहीं कहाँ होगा, ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता लक्ष्मीकांत के अंदर ये होगा। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर वन जैसे कह रहा है बेसिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल एनशर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ईयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कन्फर्ड बाय द ऑर्डिनरी स्टेट्स। थ्री कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू एनफोर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म। एंड फोर्थ कह रहा है हमारा कि लीगल एंड जुडिशियल पर्सनस। तो इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूडेड है, तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता है ऑप्शन नंबर ए भी हो, तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। ए और सी के अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज करेक्ट। इनमें से बता दो भैया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसके संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये बिल्कुल सही है। तो इसी को देख के आपको बस करेक्ट मार देना था, बाकी के नीचे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि करेक्ट पूछा है और करेक्ट हमारा एक ही हो सकता है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो इतना पुराना स्कीम है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये हमारे CAPF NDA के अंदर हमेशा पूछे जा रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसके बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी कहूँगा मैं, क्योंकि आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली हमारा आस्क हो रहा है ये UPSC के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट बीन अवार्डेड द नोबल प्राइज। तो इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नोबल प्राइज नहीं मिला है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यूनेस्को जो है, यूनेस्को को नोबल प्राइज नहीं मिला है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज़ बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लद्दाख, बी कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर, सी कह रहा है सिक्स शेड्यूल एरियाज और डी कह रहा है हमारा फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी में से कुछ हो सकता है, ठीक है, बी और सी में से कुछ हो सकता है। तो इसमें से आपको थोड़ी बहुत ये आंसर की देखनी पड़ेगी, इन दोनों में से ही कुछ है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज डिजॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। अब अगेन इसका जो सोर्स है दोस्तों कहीं पे मिला नहीं है, नेट पे सर्च करने पे मिला है कि जो बी आर अम्बेडकर की जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उसके अंदर से ये स्टेटमेंट डाली है, ठीक है। तो हो सकता है स्टेटमेंट हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर हो शायद, वैसे बहुत कम चांसेस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, भीमराव अम्बेडकर।
आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 79 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से बता दो भैया कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो इसने कीवर्ड यूज़ कर लिया एक्सक्लूसिवली, ये इसकी वजह से हमारा गलत हो गया। क्रिमिनल लॉ हमारा स्टेट और जो सेंट्रल दोनों में होता है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है दैट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि भैया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनमें से बता दो भैया कि करेक्ट क्रोनोलॉजी के अंदर अरेंज कर दो। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे, जैसे मैंने लिख रखा है इंडस वाटर ट्रीटी हमारी कब हुई थी, 1960 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड स्टेटमेंट ये हमारी पहले आएगी, 2 आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसका ताशखंड डिक्लेरेशन हुआ था हमारा 1966 में, तो फिर 1 आएगा। उसका हमारा दोस्तों एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, ये हमारा 3 आएगा। उसके बाद अग्रीइंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन, ये हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो 2, 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा दोस्तों स्टैटिक पोर्शन बोल लो या फिर क्या बोल लो, मतलब अनकन्वेंशनल तो था ही, ठीक है। तो क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी है, क्रोनोलॉजी इंडस वाटर ट्रीटी की तो आपको याद होनी चाहिए, ताशकंद की भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन जो 3 और 4 है यहाँ से आप कन्फ्यूज हो सकते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू शंघाई कॉपरेशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, सॉरी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि भैया एस सी ओ जो है समिट अभी 2024 में अभी होने वाला है, इस पर अभी डिबेट भी चल रही है कि इंडिया के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो वहाँ पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 ओनली, कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एस सी ओ है वो हमारे रशियन और चाइनीज है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द एस सी ओ एंजॉयज ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो थर्ड स्टेटमेंट है एस सी ओ कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर स्टेट, ये हमारा इनकरेक्ट है, 13 नहीं है, जबकि यहाँ पे शायद 10 या फिर 11 है, ठीक है। आई गेस यहाँ पे इंटरनेट पे चेक करना पड़ेगा, बट 13 नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी इनकरेक्ट होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का कह रहा है FATF से दोस्तों पूछ ले, इजी क्वेश्चन कहूँगा मैं, क्योंकि अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हो फिर न्यूज़पेपर पढ़ते होते हैं, FATA हमेशा न्यूज़ में रहता है। कई सारी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गए, ये कई बार FATF में जाती रहती हैं और वापस निकल के आती रहती हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये हमारा होता है किस चीज़ के लिए, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट एक्टिविटी वॉच डॉग है। जैसे कोई भी कंट्री अगर टेररिस्ट एक्टिविटी में फंडिंग वगैरह करती है तो उस कंट्री को हम ये जो इंटरनेशनल काउंसिल है जो FATF ये ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, FATF लिस्ट में डाल देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स प्लेस बिटवीन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर इन द यूनियन यूनाइटेड नेशन। सी कह रहा है कि बी कह रहा है हमारा इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों ही केसेस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की। ऑप्शन सी डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला अगेन आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे अगर आपको नहीं पता है। आगे बात करते हैं क्योंकि करंट अफेयर के अंदर ये था नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का कह रहा है, कह रहा है कि भैया भारत पर्व वॉज ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग रिपब्लिक डे 2024, बी सेइंग नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, स्टेटमेंट नंबर 3 सेइंग केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 3 ओनली, ठीक है। जो 1 और 3 है भारत पर्व, इसमें रिपब्लिक डे और केन्स फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पर भारत पर्व ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का कह रहा है Which one of the following organization challenged the constitutionality of section 377 of Indian Penal Code in the Supreme Court of India? Again, बहुत ज़्यादा difficult question, आप छोड़ सकते थे। So the correct option है वो हमारा option number A है, NAS Foundation India, NAS Foundation India Trust, ठीक है। Option number A जो है, that is the correct option. नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, एज पर आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मिजोरम, अकॉर्डिंगली नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई ऑन सर्टन मैटर्स अनलेस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम सो डिसाइड्स बाय रेजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट कवर्ड अंडर दिस आर्टिकल। मैं से बता दूँ कौन सी चीज़ कवर्ड नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा कवर्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ये वाली चीज़ें पढ़ोगे सारे ऑप्शन, तो आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर भी सकते थे, क्योंकि मतलब इसमें अलग ही बिल्कुल बात कर दी। ओनरशिप तो चलो फिर भी ठीक है, ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 371G। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज या आर करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं कहूँगा डिफिकल्ट था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। वन स्टेटमेंट जो है यही केवल सही है कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज लीगली वैलिड इन सम स्टेट मैटर इन द सेम मैनर एज द हैंड रिटन सिग्नेचर।
सो स्टेटमेंट नंबर वन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज करेक्ट। अगेन ये भी थोड़ा अनकन्वेंशनल था, ये हमारा करंट अफेयर से आप कह सकते हो, जितने भी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं तो उसमें जो एजेंसीज हैं ये हमारी न्यूज़ में थी, तो अगर किसी बंदे ने पढ़ा होता वहाँ से तो वो शायद ये कर पाते, वरना डिफिकल्टी था। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इट इज़ अ बॉडी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज अंडर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं द रिसर्च डिजाइन एंड द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एन R&D विंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। बता दो इनमें से भैया रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की R&D विंग है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि भैया इसके जो सोर्स है हमारे कन्वेंशनल बुक्स के अंदर नहीं है, इस वजह से डिफिकल्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर सिंपल रीजन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इंडियन रेलवे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इंडियन रेलवे के अंदर ये जो है ब्रांच आता है। आगे बात करते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे स्पीकर की ऑफ लोकसभा है, यहाँ पे इनका टेन्यू हो रहा है, बता दो आपको कौन सा स्पीकर कौन से लोग उसके अंदर था। ठीक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इंटरनेट से ढूंढ के हमने भी निकाला है। बाकी जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगा शायद, जो लिस्ट होती है इनके टेबल्स की वहाँ पे भी शायद हो सकता है। खैर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अब आ जाते हैं हमारा साइंस के पोर्शन पे। साइंस के पोर्शन पे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भैया एक्सरे कैन बी यूज टू इंस्पेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स बिटवीन टू मेटल्स पार्ट ऑफ द मशीन, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कह रहा है कि स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है, और बोथ वन एंड टू जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 92, दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। इसमें पूछ लिया इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। अब यहाँ से अगर आपने हमारे जो मैराथन सेशन थे चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन जो थे हमने कराए थे साइंस की, केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स तीनों के लिए, वो अगर आपने किया हो तो हमने कन्वेक्शन क्वेश्चन किया है, वहाँ पे हमने क्वेश्चन कर रखे हैं कन्वेक्शन पे, रेडिएशन पे और कंडक्शन पे भी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बॉइलिंग वाटर इन पॉट ऑन अ ग्लास स्टोव दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। कन्वेक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारा फ्लूइड्स के अंदर होता है ना, फ्लूइड्स जो होते हैं हमारी, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो हमारा पानी हो, चाहे वो हमारा एयर हो, उसके अंदर हमारा कन्वेक्शन होता है जिसमें पार्टिकल मूवमेंट होता है। अब जब पानी गर्म होता है हमारा, बॉइलिंग वाटर इन पॉट, जब पानी गर्म होता है तो नीचे के जो हॉट पार्टिकल्स हैं वो हमारे ऊपर आते रहेंगे, और जो ऊपर के कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो नीचे आते रहेंगे, तो ये अंदर के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे सर्कुलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेक्शन का वो होता है। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है कि हीटिंग ऑफ फूड अंडर माइक्रोवेव ओवन, ये हमारा किसके एग्जांपल है, ये हमारा रेडिएशन का एग्जांपल है क्योंकि माइक्रोवेव लग रही है। सी कह रहा है कि फीलिंग द वार्मथ ऑफ इन सन, तो फीलिंग ऑफ वार्म इन सन जो है, सन की जो रेज आती है दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट इज एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की खास बात क्या होती है, इसे कोई भी मीडियम चाहिए नहीं होता। ठीक है, इसलिए वैक्यूम्स जो हमारा स्पेस के अंदर वैक्यूम है वहाँ से भी सन की जो किरणें हैं वो आ जाती हैं। अगला कह रहा है कि हीटिंग ऑफ ब्रास रॉड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट अदर, की भैया एक ब्रास रॉड है, यहाँ पे अगर ने मोमबत्ती जला दी तो यहाँ पे धीरे धीरे गर्म होते होते यहाँ पे भी गर्म हो जाएगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल मूवमेंट नहीं होता, जो सॉलिड के पार्टिकल ये तो बिल्कुल सही है, बस वाइब्रेट कर करके आगे ये गर्म करते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमने बहुत ही डिटेल के अंदर हमने जो चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन है यू कर रखे हैं साइंस के। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हमने दोस्तों किया था और बकाया था, इसकी हमने PDF भी डाल रखी थी, अगर आपको विश्वास ना हो तो हमने ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है जीओ स्टडीज कॉर्नर उसके अंदर आप जाओ, और आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे PDF डाउनलोड करो, अगले वाले जो अटैम्प्ट है उसके अंदर भी काम आएगा आपको, बहुत मेहनत से बनी है आप ही लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे आप जाके देखो। तो ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं कि द फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट इन्वॉल्व्स व्हाट, इसमें कहते हैं कि सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, बी कह रहा है कि वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी कह रहा है टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि भैया यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं ओजोन होल हमारा क्या होता है, ओजोन होल क्या है भैया, ओजोन होल हमारा क्या है, CFC की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसकी वजह से होता है। तो ये कहाँ पे होता है, हमारा अंटार्कटिका के ऊपर होता है, इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस पे पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, इस पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं इसलिए इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर मिशन ऑफ इसरो इन 2023। अब यहाँ पे ये टाइमलाइन याद रखना दोस्तों, 2023 में पूछा इसने। ठीक है, तो इसमें दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वन एंड टू ओनली, जो चंद्रयान 3 है ये हमारा 2023 में लॉन्च हुआ था, और सोलर मिशन आदित्य 11 जो है ये हमारा 2023 में लॉन्च हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी UPSC ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एयरक्राफ्ट बीइंग इक्विप्ड विद कंडक्टिंग टायर। यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा दूंगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमारे NDA के अंदर भी पूछ रखा है, इसने बेसिकली क्या कह दिया कि भैया इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट रीजन है जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे, जो हवाई जहाज होते हैं, उसमें जो टायर्स होते हैं वो कंडक्टिव टायर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी है, फॉर प्रिवेंटिंग स्पार्क्स व्हेन दे लैंड ऑन द ग्राउंड। अब ये क्यों होता है कि जैसे कोई भी हमारा जो कोई भी ट्रांसपोर्ट है, अगर वो हाई स्पीड से चल रहा है, तो हाई स्पीड से जब चलेगा तो उससे जब जमीन पर टकरा के वो चलेगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, राइट।
रोलिंग फ्रिक्शन डेवलप होगा, और फ्रिक्शन डेवलप होने से क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, उसकी वजह से क्या होगा, चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आग लगने की संभावना है ये बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, फेलियर हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमने ट्रक्स भी देखे होंगे, हमने बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं 18 टायर, उसमें जो है पीछे चेन लटकी होती है, और जो चेन जो है वो ज़मीन से चिपक के चल रही होती है, वो इसी सिंपल रीजन की वजह से होती है, जो कि हाई स्पीड में जब ट्रक चलते हैं तो उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप हो रहा है तो वो इस कंडक्टिंग चेन की वजह से धरती के अंदर चला जाए चार्ज, और कोई भी मिसहैप ना हो। फॉर द सेम रीज़न यहाँ पे जो टायर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि एयरक्राफ्ट भी हमारा बहुत ही स्पीड से लैंड करता है बिल्कुल ज़मीन पे, है ना, तो वहाँ पे जो टायर होते हैं ये कंडक्टिंग टायर होते हैं, ताकि जो चार्ज है वो सीधे हमारा धरती के अंदर चला जाए, ठीक है, और जो एयरक्राफ्ट है वो हमारा बिल्कुल बचा रहे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 97 का, कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया इज करेक्ट। अगेन ये भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कराया और बाकी एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली पूछा इसने, कैन नॉट डिस्टिंग्विश इन कलर, ये तो बिल्कुल गलत बात है, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्यों होता है, जो सिलरी मसल्स जो होती है हमारी, सिलरी मसल्स जो होती हैं ये हमारी वीक हो जाती हैं एज के साथ, ठीक है, इसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज़ इज ट्रैवलिंग एट एन अननोन मीडियम, इट्स वेवलेंथ इज नॉट नोन, इट्स इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स ऑफ इट्स वेवलेंथ इन ए टाइम टी, द वैल्यू ऑफ टी इज, तो टी निकालना था आपको, यहाँ पे डिस्टेंस है हमारा 150 लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 150 टाइम्स दिया है, तो 150 लैम्डा आप ले सकते हो, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है हमारी 300 हर्ट्ज़ है, ठीक है, तो डी बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू डिस्टेंस करोगे आप, तो यहाँ से आपका जो टी है 0.5 सेकेंड्स आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं मिशन शक्ति के बारे में पूछ लिया इसने DRDO के, कि मिशन शक्ति ऑफ DRDO इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यूज़ ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इसके उपलक्ष्य में जो मिशन शक्ति है ये हमारा लॉन्च हुआ था, तो जैसे हमारी जो मिसाइल्स होती हैं जो एंटी डिफेंस हमारी मिसाइल्स होती हैं उसके अंतर्गत ये आता है, जैसे इसराइल के आयरन डोम है उसके अंतर्गत ही, जैसे हमारे जो रॉकेट्स हैं कोई भी हमारे देश पर अगर वो करे तो ये काउंटर ये स्ट्राइक करेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा लैग्रांज पॉइंट, अगेन हमारा न्यूज़ में रहता है, हर पेपर के अंदर आ रहा है, ये CDS के अंदर भी आ रहा है, CAPF के अंदर भी हमारा लैग्रांज पॉइंट आ रहा है, तो अमूमन आपको ये याद होना चाहिए। तो इसने पूछ लिया कि भैया इन सन अर्थ सिस्टम द सन द अर्थ एंड द लैग्रांज पॉइंट L4, ठीक है, ये L4 आपको याद रखना है, तो ये डिटेल के अंदर पूछ रहा है यहाँ पे, L1 के बारे में पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि L1 के जो पिछले CDS या फिर CAPF हुआ था उसके अंदर पूछा था कि L1 और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, है ना, L1 और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है वो उसने पूछ लिया था। अब यहाँ पे इसने L4 के बारे में पूछ लिया है कि अर्थ सन और L4 हमारा मिलके क्या बनाएंगे, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सन है, यहाँ पे हमारा लैग्रांज पॉइंट 4 है, यहाँ पे हमारा अर्थ है, और यहाँ पे हमारा लैग्रांज पॉइंट 3 है, ठीक है, तो इसमें जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि लैग्रांज पॉइंट 2 जो है और अर्थ है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये 3000 करोड़ समथिंग उसको निकल के आया था, मेरे को याद नहीं है कितना था, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन हमारा CAPF के अंदर ये पूछा था कि L1 और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बता दो, इस बार इसने पूछ लिया कि भैया सन अर्थ और L4 ये मिलकर कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये हमारे 60° एंगल फॉर्म करता है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज इन द डिस्पर्स मीडियम एन ए लिक्विड, ये अगेन हमने जो हमारी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, जिन बच्चों ने किए हैं वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो प्लीज़ कमेंट के अंदर के बताएं, ताकि बाकी जो नए बच्चे हैं उन्हें भी पता चले, और जो PDF है उनके अंदर अभी आप देख सकते हो, तो इसमें ये NCERT के अंदर साफ टेबल है जिसमें यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज लिखा हुआ है, डिस्पर्स मीडियम लिखा हुआ है, और यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो वहाँ से टेबल से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, UPSC इस बार भी पूछा है इसने, तो इसने बता दिया कि भैया डिस्पर्सिंग मीडियम में कौन सा लिक्विड है, लिक्विड में अगर डिस्पर्सिंग मीडियम अगर लिक्विड है तो कौन सा इसमें से एग्जांपल होगा, तो शेविंग की क्रीम जो होता है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भैया द टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन आर वॉट, तो देखो क्लोरीन यहाँ पे देखो सी लिख रखा है इसने, सी तो हमारा किसका सिंबल होता है कार्बन का, तो क्लोरीन का हमारा क्या होता है Cl होता है, तो यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है ये, तो इसने आइसोटोप ऑफ क्लोरीन के बारे में पूछ लिया जो कि इजी है, ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर शायद आपको मिल जाएगा क्लास 10th की जो NCERT वहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल, तो इनमें से बता दो भैया कौन सा मेटल जो है ऑयल के अंदर स्टोर नहीं होता है, तो लिथियम जो है दोस्तों लिथियम ऑयल के अंदर स्टोर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 104 का कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज फॉर वॉट, तो इट इज नॉट यूज फॉर प्रिजर्वेटिव एज मीट प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव एज अ यूज नहीं होता है पोटेशियम नाइट्रेट, बिल्कुल गलत बात है। आगे बात करते हैं हमारा 105 का कह रहा है कि द सर्फेस ऑफ अ कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड विद स्ट्रॉ या फिर गनी बैग्स बाय वेटिंग, दिस इज डन टू वॉट, तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप कह सकते हो कि
मतलब हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं था, तो आप छोड़ भी सकते हो। बाकी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, टू प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज प्रोसीड वेल। ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं हमारा साइंस का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैसेस मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट। उन्होंने बोला भैया कौन सा नॉट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि हाइड्रोजन इज 3 आइसोटॉप, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़े भी एनसीईआरटी के अंदर, दे भी रखे एग्जांपल। बी कह रहा है कि भैया हीलियम इज कॉमनली यूज इन द गैस एज इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बिल्कुल गलत बात है, आर्गन होती है भैया, आर्गन होती है या फिर नाइट्रोजन होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा है। आगे बात करते हैं हमारा मैच द फॉलोइंग कह रहा है इसने, यहाँ पे ट्रेड नेम है और यहाँ पे केमिकल नेम है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी है और हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैराथन चलाया था उसके अंदर भी है, हमने पीडीएफ अपलोड कर रखी है टेलीग्राम के अंदर, उसके अंदर भी है, आप चेक कर सकते हो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द साइंस पोर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास। अब देखो ग्लास से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कीवर्ड, ये जो तीन कीवर्ड लिखे हैं दोस्तों इसे आपको नोट कर लेना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है इंटरनेट पे, हो सकता है तो मैं अभी जो अगली वीडियोस आएंगे उसमें अंदर ये तीन टॉपिक्स करवा भी दूंगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सीएपीएफ के अंदर भी सीडीएस के अंदर भी, कि एक तो सीमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं, सीएपीएफ के अंदर भी आएंगे भैया ग्लास किस चीज़ों से बनता है, और पेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया पेंट ये वाला पेंट किस चीज़ से बनता है, ठीक है, तो ग्लास सीमेंट और पेंट जो है इन पे क्वेश्चंस बने जा रहे हैं, तो ये जो है आपको नोट करना है, इसे आपको पढ़ना है, और मेरे को भी आप याद दिला देना, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बताया पूछा है इसने कि भैया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज इनकरेक्ट, इसलिए सिंस इट इज बिन आस्ट इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिस्टलिटी डिपेंड्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मास ऑफ द गैस ग्लास, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 109 क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपको पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन्स अगर पता चल जाए आपको, तो वैलेंसी पता चल जाएगी तो आपको बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पता चल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में क्या यूज होता है, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज यूज इन ब्लीचिंग पाउडर। आगे बात करते हैं हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। अब जो मैग्नीशियम है दोस्तों, मैग्नीशियम हमारा क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 112, ये हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, कि कह रहा है कि भैया जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉट। अब यहाँ पे लोग वाटर और इसमें किस कन्फ्यूज होंगे, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, तो जिसने प्रीवियस क्वेश्चन वाला सेशन लगाया होगा उसने यहाँ पे देख रखा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे सीडीएस ने इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा है जिसमें ये दो ऑप्शन ही दिए हैं बच्चों कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो पानी तो ट्रांसफर करता ही करता है, साथ में डिजॉल्व मिनरल्स भी ट्रांसफर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारे मैराथन क्लासेस के अंदर भी है और ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एकदम से दोबारा बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लांट हार्मोन के बारे में पूछ लिया है इसने, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ऑक्सिन जो है ये हमारा ग्रोथ हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है, इसने ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी, कि भैया कौन सी ग्रोथ एक्टिविटी रोक देता है, तो ऑक्सिन जो है ये हमारा ग्रोथ एक्टिविटी अनेबल करता है, साइटोकिनिन जो होता है ये हमारा सेल डिवीजन के काम आता है, जो गैबरेलिन है ये हमारा फ्लावरिंग के लिए काम आता है, जो फूल पत्तियां उगती हैं, जो फूल सूखते हैं पौधों में वो इस हार्मोन की वजह से होते हैं, जो अब इसका एसिड जो होता है ये हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है रोक देता है, ठीक है, ये जो ग्रोथ एक्टिविटी है रोक देता है प्लांट में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन जो हमने मैराथन के अंदर भी कवर कर रखा और जो हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग टू, तो स्टार्च कौन सी इसमें से बताता है, कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर बिलोंग करता है, हमने अपनी जो मैराथन क्लास है उसके अंदर कर रखा है, आप देख सकते हो उसके जो पीडीएफ आपको लिंक में टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन 115 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट्स। अब ज़ेरोफाइट्स हमारे कौन से होते हैं भैया, जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गए, ठीक है, तो पानी वानी बिल्कुल होता नहीं है, इसमें बोला है इसने कि नॉट फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट, तो भैया लार्ज नंबर स्टोमेटा क्यों होगा ज़ेरोफाइट्स के अंदर, ठीक है, लार्ज नंबर स्टोमेटा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारा हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द सॉइल, तो सैलिन सॉइल्स के अंदर जो है हमारे हेलोफाइट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑफ प्लांट, वेस्कुलर बंडल ऑफ प्लांट के कौन से पार्ट नहीं होते, फोलम होता है, जैलम होता है, जो एंडोडर्मिस होता है दोस्तों ये हमारा नहीं होता, ये हमारा आउटर लेयर में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो जो हमारा वर्ड एंडो ही होता है ये हमारा किसके लिए होता है, स्किन के लिए होता है, ठीक है, मतलब जो बाहर की चीज़ होती है प्लांट की उसके लिए होता है,
जो आउटर लेयर है उसके लिए होता है, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड भी मैक्सिमम, तो भैया सी वाटर के अंदर मैक्सिमम होगी, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात ही नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज थे, मिथेनॉल की तो डेंसिटी ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कम होती है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस ही नहीं होते, ठीक है आयंस नहीं होते, उसके वजह से क्या है उसकी डेंसिटी और कम है। ड्रिंकिंग वाटर है, अब ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सी वाटर की है, क्योंकि सी वाटर के अंदर भैया पानी भी वो क्या है सैलिनिटी भी है, नमक भी है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। जितनी ज़्यादा हाई डेंसिटी होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो पास पास होंगे, जितने ज़्यादा पास पास होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे जब वो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो जल्दी जाएंगे, इसलिए साउंड की स्पीड वहाँ पे डेंस वाटर के अंदर ज़्यादा होती है सी वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ईजी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विच ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स, तो इनमें से बता दो भैया कौन सा ऑर्गेनेल जो है फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, तो लाइसोसोम्स जो है विच इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि भैया फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव कॉल्ड क्लोरोफिल, द ओनली स्ट्रक्चर इन द लीव दैट होस्ट क्लोरोफिल इज वॉट, क्लोरोप्लास्ट, अगेन ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, अगेन हमने ये मैराथन क्लास के अंदर कराया है, ठीक है। तो साइंस के जो क्वेश्चन है दोस्तों, जिन बच्चों ने मैराथन क्लास लगाई होगी हमारी, मैराथन क्लास लगाई होगी, वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं उन्होंने लगाई थी और उन्हें कितना हेल्प हुआ, क्योंकि उसे बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और जो पीडीएफ है दोस्तों, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, उन्हें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपको जो हिस्ट्री है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन और पार्ट टू, इसके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और उनकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे आप प्लीज़ चेक करें। उसका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिलेंगी इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे भी आप प्लीज़ जाके चेक करें, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और जो वीडियोस हैं, वीडियोस भी आपको इन सबकी वीडियोस भी मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, जो हमारा चैनल है वहाँ पे चले जाना, उसके जो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन है वहाँ पे आप चले जाओ, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है, हर एक प्लेलिस्ट का नाम है, आप वहाँ पे खोलोगे तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। और जो अगर हमारा जो साइंस है, साइंस की भी हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हैं क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के, ठीक है, तो जो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो और उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, साइंस होता है, ये तीनों हमने कवर कर रखे हैं अपने इस चैनल पे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप प्लीज़ चेक करें ज़रूर, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने बात करी ये आंसर की इसकी, ठीक है। तो इसका जो आंसर की है, आप देखो 100% तो किसी की भी सही नहीं होगी, सीधी सी बात है, तो 90% भी अगर सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो भी आंसर की आप मिलाओ किसी भी इंस्टीट्यूट की मिलाओ, तो परसेंटेज ऑफ एरर तो रहता ही है, तो 80% 90% एक्यूरेट आपको मिलेगी आंसर की, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चंस जो है आप ऊपर नीचे मान के चलो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चंस सही हैं कितने क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ जो प्लेलिस्ट है उन्हें प्लीज़ चेक करें, सारी चीज़ें इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, टेलीग्राम के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।